हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हम आपका गौरव करना चाहते हैं महाराज भगीरथ। विराजी, आज आपने असुर राज विरूपाक्ष का वध करके स्वर्ग लोक को एक भयंकर संकट से बचाया है। देवेंद्र, विरूपाक्ष से भी भयंकर संकट आपके सामने खड़ा है। मैं समझा नहीं महाराज भगीरथ। जो सोचकर विरूपाक्ष ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया था, वही सोचकर अब मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करूंगा। मगर क्यों? मुझे गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाना है। आक्रमण करके? कहीं आप अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठे हैं महाराज भगीरथ? मैं अपने अस्त्र शस्त्रों की निपुणता से और अपने बाहुबल से स्वर्ग लोक का संतुलन बिगाड़ दूंगा। क्षमा कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। कौन रोकेगा मुझे? आप? देवता? गंधर्व? कौन? मैं सबको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। मैं स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा, तब तो मैं गंगा मैया को पृथ्वी पर ले जा सकता हूं। तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सम्राट भगीरथ, आपने देवताओं की सहायता की, अतः आप देवताओं के मित्र हैं और हम अपने मित्र से कभी युद्ध नहीं करते। आपकी माया से भली भांति परिचित हूं। आज मैं गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर ले जाने आया हूं और ले जाकर ही रहूंगा। आक्रमण! सम्राट भगीरथ की जय! सम्राट भगीरथ की जय! सम्राट भगीरथ की जय! सम्राट भगीरथ की जय! सम्राट
गंगा मैया को मुझसे छुपा कर रखेंगे। ये मायावी युद्ध तब तक खेलते रहेंगे। आप ही के कारण मेरे 60,000 पूर्वज तपाग्नि में जलकर राख हुए हैं। मैं गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाना चाहता हूँ। यदि इसी समय गंगा मैया मेरे सामने प्रकट ना हुई तो मैं स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दूंगा। अपनी क्रोधाग्नि से मैं स्वर्गलोक को जलाकर राख कर दूंगा। जागो भगीरथ, तुम अनर्थ करने जा रहे हो। गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर होने वाला अवतरण अनर्थ नहीं करेगा। पृथ्वी का विकास अवश्य होगा भगीरथ, परंतु तुम तो विनाश के पथ पर चल रहे हो। तुम अपने बाहुबल का, अपनी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुणता का कितना भी प्रयोग कर लो, देवी गंगा इस प्रकार पृथ्वीलोक पर अवतीर्ण नहीं होंगी। होगी, अवश्य होगी, परंतु तपस्या के प्रभाव से और केवल तपस्या के प्रभाव से। नहीं, मैं तपस्या नहीं करूंगा। ये अविचार होगा भगीरथ। अविचार तो मेरे पूर्वजों ने किया था जो तपस्या की, यहां तक कि तपस्या करते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए, फिर भी गंगा मैया का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ। जो त्याग, जो समर्पण मेरे पूर्वजों ने किया है, उतना त्याग उतना समर्पण किसी ने भी नहीं किया, फिर भी गंगा मैया अवतरित नहीं हुई। क्यों? क्या कमी थी मेरे पूर्वजों की तपस्या में? अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं गंगा मैया को लेने आया हूं और उन्हें पृथ्वीलोक पर लेकर ही जाऊंगा। मैं अपना अस्त्र छोड़ रहा हूं। रुक जाओ, यदि तुम्हारा यही हट है तो गंगा मैया तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक पर आएंगी। परंतु क्या तुम गंगा मैया को ले जा सकोगे? उसी के लिए तो मैं आया हूं। तो कर लो अपनी इच्छा पूरी, ले जाओ गंगा मैया को। सत्य की एक झलक है भगीरथ। देवी गंगा की जलधारा में इतना वेग है कि सामान्य जन उसे झेल नहीं पाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं क्यों नहीं बह गया? तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या का तपोबल है जिसने तुम्हें बह जाने से रोक रखा है। देवी गंगा को यदि तुम बल से ले जाना चाहोगे तो जैसे तुम्हारी सेना का विनाश हुआ, उसी तरह पृथ्वीलोक का भी विनाश होगा। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं सत्य में हट कर रहा था। तपस्या का महत्व मेरी समझ में आ गया है। मैं तपस्या करूंगा और अपने तपोबल से गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर ले जाऊंगा। तथास्तु।
स्वामी, मत जाइए स्वामी, रुक जाइए। युवराज, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। पृथ्वी लोक के कल्याण और विकास के लिए अपना योगदान देने जा रहा हूं। सूर्यवंश ने जो गंगा मैया के अवतरण के लिए आज तक त्याग किया है, मैं उसे सफल बनाने के लिए जा रहा हूं। परंतु मैं यदि असफल रहा तो अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का कार्य तुम्हें करना होगा। सूर्यवंशी प्राण दे सकता है युवराज, अपना वचन भंग नहीं कर सकता। और हमने गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर लाने का वचन दिया है संसार को। महारानी, सूर्यवंशियों की त्याग और समर्पण की परंपरा आपको भी निभानी है। नहीं, कृपया आंसू मत बहाइए और मेरी तपस्या सफल होने की कामना कीजिए। स्वामी। नहीं माताश्री, सृष्टि के विकास और कल्याण में आप अपने आंसुओं की बाधाएं मत खड़ी कीजिए। प्रणाम गंगा मैया। कल्याण मस्तु। वत्स भगीरथ, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों तुम्हारे पूर्वजों की इतनी तपस्या करने के पश्चात भी पृथ्वी लोक पर मेरा अवतरण नहीं हुआ। वत्स, मैं भी पृथ्वी लोक पर आने के लिए उत्सुक हूँ। समस्त पृथ्वी लोकवासी मेरी ही तो संतान है। कौन सी मां नहीं चाहेगी अपनी संतान का भला करना? परंतु मैं विवश हूं पुत्र, असुरों के पाप धोते धोते मैं स्वयं मलिन हो गई हूं। मेरी मलिनता जब नष्ट होगी तभी तो मैं पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण हो सकूंगी। भगवान कपिल, महर्षि जनु जैसे दिग्गजों की तपस्या के प्रभाव और तुम्हारे पूर्वजों की तपश्चर्या से मेरा मलिनत्व नष्ट होने लगा है। अब जब तुम तपस्या करोगे तो मैं पहले जैसी बन जाऊंगी और पृथ्वी लोक पर आ जाऊंगी। वत्स भगीरथ, भगवती आदि शक्ति ने मुझे परमपिता ब्रह्मदेव की सहायता करने के लिए भेजा है। तुम तपस्या करके विधाता ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लो। विधाता ही तुम्हें मेरे पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण का मार्गदर्शन करेंगे। जो आज्ञा गंगा मैया। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्करम्, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमस्तुते, सप्ताश सूर्यं प्रणाम्यहम्। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव को भगीरथ का प्रणाम। शुभम भवतु। हे सूर्यदेव, आप जानते हैं अब तक सूर्यवंशी अपने पितरों को मोक्ष नहीं दे सके हैं। मैं भी इस कलंक को मिटाने का प्रयास करना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है वत्स। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने में तुम अवश्य यशस्वी होगे। मुझे तुम्हारे शौर्य पर, तुम्हारे बाहुबल पर, तुम्हारे मनोबल पर पूरा विश्वास है। तपस्या के लिए मनोबल की परम आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे पास है। इसी मनोबल पर
तुमने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था। अब इसी मनोबल पर कठोर तपस्या करके तुम देवी गंगा की तीसरी धारा को पृथ्वी लोक पर ले आओगे। तुम्हारे इस कार्य सफलता के बाद केवल सूर्यवंशियों को ही नहीं समस्त पृथ्वी लोक वासियों को तुम पर गर्व होगा। यशस्वी भव। महाराज भगीरथ, आपकी तपस्या का उद्देश्य केवल गंगा उतरना नहीं है, आपको गंगा मैया को रसातल तक ले जाना है जहां आपके पितरों की राख पड़ी है। मैं गंगा मैया को रसातल तक ले जाऊंगा गुरुदेव। कैसे? आप रसातल जाने का मार्ग जानते हैं? वैसे भी त्रिपथगा गंगा की एक धारा प्रवाहित होने वाली है, उस एक धारा में इतनी क्षमता नहीं होगी महाराज भगीरथ कि वो धूप सहती हुई रसातल जा सके। अतः हिमालय की स्वर्णा, वैसावी, रुद्रा, कर्णा और रेवपगा नदियों को गंगा की धारा में आपको मिलाना होगा। ये सारी नदियां वही हैं, गर्मी में सूख जाती हैं और ठंड में जम जाती हैं। इन नदियों को गंगा की धारा में मिलाने से न केवल आपके पितरों का उद्धार होगा बल्कि ये धरती भी सुफलाम सुजलाम हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा गुरुदेव। महाराज भगीरथ, तपस्या आरंभ करने से पहले यदि आप रसातल में जाकर भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद ले लें तो आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। मैं भगवान कपिल मुनि का आशीर्वाद अवश्य लूंगा गुरुदेव। आप द्वारा पृथ्वी लोक का कल्याण हो महाराज भगीरथ। हे समुद्र राज, मुझे रसातल जाने का मार्ग दिखाकर अनुग्रहित कीजिए। कल्याणमस्तु। आओ भगीरथ, मेरे राज्य से होकर तुम रसातल में चले जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कल्याण, मेरा कल्याण मेरे पूर्वजों के उद्धार और कल्याण में निहित है भगवान। अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए गंगा मैया का पृथ्वीलोक पर अवतरण हो उसके लिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। भगवान, मैं चाहता हूं मेरी तपस्या को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है भगीरथ। पुत्र वही है जो अपने पितरों को मुक्ति दे। तुम्हारे पिता पुमान नाम के नरक में हैं, वो मुक्ति चाहते हैं। जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी यज्ञ का फल सूर्यवंश को नहीं मिलेगा। वत्स भगीरथ, जब देवी गंगा का पृथ्वीलोक पर अवतरण होगा तब उसकी जलधारा को तुम्हें यहां रसातल में लेकर आना है। फिर अपने सभी पितरों का नाम लेकर तुम गंगा जल से तर्पण करो। तो क्या मेरे पितरों को मोक्ष मिलेगा? हां भगीरथ, वो सारे निश्चित रूप से पुमान नरक से निकलकर मोक्ष पाएंगे।
मैं अनुग्रहित हुआ हूं भगवान। तुम्हारी तपस्या सफल हो वत्स। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया।